क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, उसको हम शुद्ध करते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, आपके नजरिए को बदलते हैं। जब आपकी नज़र को बदलते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता। हम ये दृष्टि विज्ञान है, हम आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं, उसकी आपकी सृष्टि बदल जाती है। हाँ, ये दिशा का प्रोग्राम है, हम आपकी दिशा बदल देते हैं, आपकी दशा बदल जाती है। सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से एपिसोड में दिखा करके और आपके चिंतन को शुद्ध करते हैं, विधायक करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है चेतन और जड़। भाई और बहनों, दो तत्व है ये सारा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, कॉस्मोस, दुनिया, वर्ल्ड, संसार, कुछ भी कहिए, ये मात्र दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पहला चेतन तत्व है और दूसरा जड़ तत्व है, और ये अलग भी है और इनका मिश्रण भी है। क्योंकि प्योर अवस्था के अंदर चेतन नहीं मिलता है। प्योर अवस्था का जो चेतन है वो तो मुक्त की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में रहता है, और जो बद्ध होता है, बॉन्डेड हो जाता है, वह चेतन तत्व, ये मेरा शरीर है, ये चेतन तत्व है, लेकिन ये बॉन्डेड है, विशुद्ध रूप में नहीं है। और मेरे सामने जो टेबल है, कुर्सी है, लाइट है, कैमरा है, दुनिया की सब चीजें हैं, ये भी शुद्ध तत्व, जड़ तत्व नहीं है, ये भी जो है मिश्रण का जड़ है। अगर हम सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे कि जड़ किसे कहते हैं, जिसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा होता है वह जड़ कहलाता है। जड़ सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, और जड़ में कोई चेतना नहीं होती, और जड़ के अंदर प्रजनन नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, कोई आनंद की चीज नहीं हो सकती है। वह तो मात्र जो है वह परमाणुओं का समूह है, और भगवान महावीर ने बताया परमाणु की परिभाषा देते हुए बताया कि परमाणु अपने आप में एक शुद्ध जड़ तत्व है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पुद्गल है। वह शुद्ध पदार्थ परमाणु कैसे है कि न तो वो आंखों से दिखाई देता है, न किसी जो है वैज्ञानिक की दूरबीन से दिखाई देता है, और न वो किसी को रोकता है, न किसी से रुकता है, और न उसका क्षय होता है, और वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, उसके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं, वो फाइनल टुकड़ा है। वह विशुद्ध रूप के अंदर जड़ तत्व है, परमाणु है। और जब एक परमाणु से दो परमाणु मिलते हैं, द्वि परमाणु होते हैं, दो से चार मिले, चतुर परमाणु होते हैं, फिर अणु बनते हैं, अणु बन करके और हमारे यहाँ घर, मकान, सड़कें, और ये हमारी लाइट, बिजली, जितनी भी चीज़ें हमारे भौतिक चीज़ें दिखाई देती है, वह सब परमाणुओं का समुच्चय है, और वह सारा जड़ कहलाता है। जड़ हमारा साधन है, और शुद्ध चेतना है वो हमारी साध्य है, और ये जो मेरा शरीर है ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। जो शरीर है वह जड़ है, क्योंकि ये जला दिया जाता है। जब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है तो मुर्दा होने के बाद कोई उसे घर में नहीं रखता है, उसको तुरंत ले जा करके शमशान के अंदर जला दिया जाता है। और मुर्दे को घर में रखें तो घर वाले कहने लग जाते हैं कि इसका तो खून पानी बन गया, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, बदबू आ रही है, बीमारी हो जाएगी, तुरंत ले जाओ, 4-6 घंटे, या मान लो कोई भी साधन के माध्यम से 1-2-3 दिन रख भी देवे, लेकिन फिर भी उसको जलाया जाता है। तो ये तो प्योर जड़ है, लेकिन इसके भीतर कौन बुला रहा है,
मैं बोल रहा हूं भाषा से, ये बुलाने वाला कौन है? ये बुलाने वाला शुद्ध चेतन तत्व है, और ये शुद्ध चेतन तत्व हर जीवित प्राणी के अंदर होता है। छोटे से छोटा जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर भी ये हाजिर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि वेयर देर इज ए सेल देर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देर इज नो लाइफ एट ऑल। और सारे सेल्स मिलकर के किसी भी उस व्यक्ति को बनाते हैं, उसमें चेतना पैदा होती है। चेतना को बनाए रखने के लिए उसमें सेल्स पैदा हो जाती है, और सेल्स जड़ है लेकिन चेतना है वो अमूर्त है। और लेकिन चेतना की हाजिरी है, चेतना की उपस्थिति है शरीर में, चेतना की उस उपस्थिति से मैं बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, ये सब जो है उस चेतन शुद्ध चेतन स्वरूप की हाजिरी से होता है। अब चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना जड़ की मैंने विशेषता बताई कि उसको कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन चेतना को होती है। किसी मनुष्य के अगर चाकू मारा जाए तो उसको दर्द होगा, दुख होगा, कराएगा, चिल्लाएगा। और पेड़ जो एकेंद्रीय है जिसकी केवल छाल है, चमड़ी है, उसको भी अगर चाकू मारेंगे तो उसको भी दुख दर्द, क्योंकि उसके जो इंद्रिया नहीं है, उसके बोलने की इंद्रिय नहीं है, इसलिए वो अभिव्यक्त तो नहीं करता है, लेकिन उसको अनुभूति होती है, क्योंकि वो चेतन तत्व उसकी केवल एक इंद्रिय है। और उस इंद्रिय के माध्यम से कई बार हम देखते हैं कि छाल के ऊपर हम चाकू लगाते हैं, उसमें से किसी में से सफ़ेद रंग का, किसी में ग्रीन रंग का एक द्रव्य पदार्थ निकलता है, तो उससे हम कह सकते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, इस बेचारे के आंसू निकल गए, तो ये उसकी अनुभूति है। इसीलिए जो अनुभूति करता है सुख दुख की अनुभूति, और जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, जिसमें संवेदना होती है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, नौ करैक्टरिस्टिक है, उसको हम चेतना कहते हैं। विज्ञान उसको कॉन्शियसनेस कहता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में चेतना की नौ करैक्टरिस्टिक मानी गई है, ग्रोथ इत्यादि, और वो कॉन्शियसनेस की जो है वो नौ करैक्टरिस्टिक को विज्ञान भी मानता है। विज्ञान चाहे आत्मा शब्द बोले या ना बोले, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कहता है। कॉन्शियसनेस वही है जो हमारा चेतन तत्व है। तो ये ब्रॉड चीजें दो हो गई, एक चेतन और जड़ है, और शरीर है उसका मिश्रण है। मिश्रण हम देखना चाहते हैं तो शरीर एक बहुत उसका सुंदर उदाहरण है। ये मिश्रण है और ये मिश्र चेतन है। इसका मतलब ये है कि चेतना के हाजिर होने के कारण हाथ घूमता है और सिर घूमता है, आंखें जो है पलकती है और हृदय धड़कता है, और हमारे शरीर के जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सिस्टम है, सब काम करते हैं, क्योंकि उसमें मालिक की हाजिरी है, प्रभु की हाजिरी है, और शुद्ध चेतन तत्व की उसके अंदर हाजिरी है। तो ये हमारा चेतन और जड़ की बात हुई। अब सवाल ये है कि ये जड़ और चेतन की इतनी बात करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक मिनट नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हर जीवित मनुष्य की पांच मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति समाज से होती है। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं कि हमको रोटी चाहिए तो क्या आप फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं? आपके पास में खेत है, इतना साधन है, एक व्यक्ति एक परिवार क्या वो कर सकता है? वह नहीं कर सकता है। आपको दूध की आवश्यकता होती तो क्या आपने घर पर जो है गाय और भैंस बांध सकते हैं? आपको जो है कपड़े की आवश्यकता होती, क्या आप कपास बनाने के लिए आप जो है खेती कर सकते हैं? अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा? इसीलिए कहा है कि परस्परोपगुरो जीवानाम, हमारा सामाजिक जीवन है वो परस्पर सहयोग का जीवन है, रिलेटिव जीवन है। हम सारा रिलेटिव जीवन जीते हैं, सारा कॉस्मोस है, दुनिया है, ये वर्ल्ड है, रिलेटिव है, और ये सारा रिलेटिव जो है स्पंदनों से, ये वाइब्रेशन से बना हुआ ये कॉस्मोस ब्रह्मांड है। और ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी इस जो है ब्रह्मांड के अंदर पर मारता है तो पूरा कॉस्मोस प्रभावित होता है। जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, उन फिजिक्स के स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, साइन थीटा
थीटा कॉस थीटा साइनोसोइडल वेव्स और वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें आपने वेव्स के अंदर पढ़ी होगी। तो ये सारा ब्रह्मांड अल्टीमेटली ये वेव से बना हुआ है और ये वेव्स भौतिक पदार्थ हैं, ये हमारे साधन हैं, ये हमारे सहयोगी है। तो सारा वेव्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस ब्रह्मांड की जितनी पूरी एनर्जी है वो भूत में भविष्य के अंदर और वर्तमान में सदा एक सी रहती है। मान लीजिए हम पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को ई कहते हैं, तो आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी और एम का मतलब मास, सी का अर्थ है कांस्टेंट होता है। तो ये जो एनर्जी किसी भी समय के अंदर कॉस्मोस में पूरी एंड नहीं होती, समाप्त नहीं होगी, कन्वर्शन होता है, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदलता है। जैसे कि हमारा पानी है, उस पानी को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है, और पानी को जब उबालते हैं तो भाप बन जाती है और भाप आगे जाके वाइब्रेशंस बनती है। मैं बोल रहा हूँ ये सारे वाइब्रेशंस में बदलती है, वाइब्रेशंस का जगत है। मेरा बोलना एक एक शब्द इस ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है, वो आपके टीवी में आता है, मोबाइल के अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी वेव्स बनती है और पूरा वैज्ञानिक सिस्टम के द्वारा वो आज हमारा पूरे इंटरनेट के माध्यम से, पूरे हमारे दूरदर्शन के माध्यम से जो है वो हमारा सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व में जाता है। और सैटेलाइट जो है हमारे 210 कंट्री है पूरे विश्व में, तो सैटेलाइट पूरा जो ऊपर हमारे आकाश में है उसमें हर कंट्री का अपना अपना कोड है, अपना अपना घर है। तो हम जो कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर जो है कि हमारे बैठे रिलेटिव से बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उस कोड में जाते हैं, उस कंट्री के कोड में जा करके, और जिसका हम नंबर मिलाना चाहते हैं हमारे रिलेटिव का, वो उससे कनेक्शन होता है। ये पूरा सारा वाइब्रेशन से होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारा जगत वाइब्रेशंस का है और वाइब्रेशंस रिलेटिव होती है, और इसलिए हम रिलेटिव जीवन जीते हैं, हम रिलेटिव को भूल नहीं सकते, रिलेटिव बिना हमारा काम नहीं सकता। ये रिलेटिव का जगत है, सारा जड़ का जगत है, लेकिन उस जड़ के जगत में जो फंक्शन करने वाला है वो चेतन तत्व है। अकेला जड़ क्या करेगा और वो अकेला जड़ किसके लिए उपयोगी होगा? वो तो चेतन के लिए उपयोगी होगा, हमारा शरीर है, तभी हम इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा इन सब चीज़ों का उपयोग तो हम करेंगे, ये तो सब जड़ पदार्थ है। तो इसीलिए क्या है कि दोनों का जोड़ा है, दोनों का आपसी रिलेटिव है। तो इसीलिए हमें रियल और रिलेटिव को समझना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट ये आके पड़ता है कि जो जड़ पदार्थ है वो रिलेटिव है और रियल है हमारा चेतन तत्व है, वो हमारा स्वरूप है, वो अनादि अनंत काल से शुद्ध रूप के अंदर एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो इटर्नल है, हमारा शुद्ध आत्मा प्रभु भगवान है, उसका अनादि अनंत काल से शुद्ध स्वरूप के अंदर नो चेंज एट ऑल। वो सार्वभौम है, वो यूनिवर्सल है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। तो ये हमारा जो है दूसरा उपयोगी पदार्थ है वो जड़ है। वो हमको ये जड़ और चेतन विषय हमने क्यों लिया कि हम हिंसा अहिंसा को समझना चाहते हैं, कि हिंसा कितने किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं। क्या मेरे सामने टेबल पड़ी है, उस टेबल को जो मैं चाकू से कुल्हाड़ी से तोड़ तोड़ के टुकड़े करूं तो क्या ये हिंसा है? ये हिंसा नहीं है। ये इन टुकड़ों को तोड़ तोड़ करके हम जो है अपना भोजन बनाते हैं। पुराने जमाने में चूल्हे में लकड़ी दी जाती थी, तो ये तो अचेतन तत्व है, ये तो जड़ तत्व है। इसीलिए जड़ तत्व को ठोकने से, पीटने से, मारने से, छेदने से, भेदने से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो हिंसा किस में होती है? जो चेतन तत्व है, एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रिएंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये सारी गतियाँ और ये पांच इंद्रियों वाले जीव हैं, वो सारे चेतन कहलाते हैं। इनको मारना, पीटना, ठोकना, भेदना, इनके प्रति बुरे भाव रखना, इनके प्रति नकारात्मक सोच रखना और उनको दुख पहुंचाना, ये सारा जो है वह चेतन तत्व को, उसको दुख जितना होता है
किसी भी जनानी को किसी भी रूप से, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कोई भी कष्ट पहुंचता है वह हिंसा है, और उसको रोकना अहिंसा है। हिंसा नहीं करने का मतलब है कि अहिंसा है। तो अहिंसा की प्रतिरोधात्मक जो हो गई बात वह अहिंसा है। और प्योर अहिंसा क्या है, किस जैसा मैंने अभी बताया, पुनः बताता हूँ, किसी भी जीवित प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, 3×9 कोटिक रूप से जो है हम उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुँचाते, वो संपूर्ण अहिंसा है। भगवान महावीर ने जो है ये दो तरह के धर्म बताए, एक तो आगार धर्म और दूसरा अणगार धर्म। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जड़ और चेतन का जो वर्गीकरण किया गया वो क्यों किया गया है, हिंसा और अहिंसा को समझने के लिए किया गया है। हमें हिंसा को छोड़ना है और अहिंसा को प्राप्त करना। अहिंसा सब भूय केमं करी, अहिंसा प्राणी मात्र के लिए हितकारी, अहिंसा एक माँ है, और अहिंसा शून्य धर्म है, वह जीरो धर्म है। अगर सारे धार्मिक ग्रंथों में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वह शून्य हो जाता है, जैसे कि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो मुर्दा हो जाता है। तो अहिंसा शून्य धर्म मुर्दा है, तो उस धर्म को सजीव बनाने के लिए अहिंसा को समझना जरूरी है, और अहिंसा को समझने के लिए जड़ और चेतन, जीव और अजीव, मैटर एंड एनिमेट एंड इनएनिमेट, इन चीजों को समझना जरूरी है। इसीलिए ये हमारा आज का ये विषय लिया गया है। चेतना के कौन कौन से प्राणी होते हैं वो मैं थोड़ा संक्षेप में वर्गीकरण करना चाहता हूँ। एक इंद्रिय, जिसके केवल एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन, पेड़ है, पौधा है, और दूसरा जो है हमारे एक इंद्रिय के पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये हमारी जो पृथ्वी है जो कि सॉलिड फॉर्म है, जिसके टुकड़े नहीं करते हैं, ये असंख्य जो है वो चेतनामय परमाणुओं का जो पिंड है, और इनको जो हम निगोद के जीव कहते हैं, ये एक साथ, इनका काय का मतलब शरीर, उनके समूह, ये उनका समूह पृथ्वी है। इसको तोड़ते हैं हम, फोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, जब वो असंख्य जीव मर जाते हैं वो हिंसा होती है। अपकाय मतलब पानी, झरने का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी, अलग अलग तरह के पानी हैं। एक पानी की बूंद के अंदर, ऐसा बताया जाता है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं 34,000 जीवों का समुच्चय है वो। इसीलिए जो कच्चा पानी है उस पानी को जो है जलाना, उस पानी को जो है वो किसी भी चीज से जो है उसको दुर्घटनाग्रस्त करना जो है वो हिंसा है। पृथ्वी का, अप का, तेजस का, इस तरह से अग्नि है, वो स्वयं अपने आप में जीवों का समूह है। वायु के अंदर थेसेक्स नाम के जो है वायरस होते हैं, वो भी समूह है, वायु स्वयं है। और वनस्पति तो हमारे सर जगदीश चंद्र बसु ने जो है बहुत ही पहले सिद्ध कर दिया था कि वनस्पति एक इंद्रिय है, जिसके मात्र स्पर्श इंद्रिय है, जिसके मात्र चमड़ी है, और उस चमड़ी के माध्यम से वो कर्मों का अर्जन करता है, भोग करता है, और सुख दुख की अनुभूति करता है। द्वेंद्रिय होता है, वो दो इंद्रिय वाला होता है। दो इंद्रिय का मतलब स्पर्शन और रसन, उसके मुंह होता है, उसकी जीभ होती है, जैसे लट है, गिंडोला है, वह त्रष्काय होता है, वो द्वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के हिलते डुलते हैं। लट गिंडोला हिलते डुलते हैं, और जब उसके मुंह है तो उससे छोटे जो है जीवों को खा करके वो अपना भोजन करते हैं, और भाषा भी बोलते होंगे, क्योंकि मुंह है तो अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन हम भाषा को समझ में नहीं आती है। जो जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं इनकी भी भाषा होती है, पर इनकी वोकेबुलरी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, मनुष्य के जितनी वोकेबुलरी नहीं होती, कि असंख्य असंख्य शब्द जो है वो एक 26 A to Z जो है वो हमारे इंग्लिश के उन शब्दों से असंख्य, और 1 से 10 तक की संख्या में असंख्य असंख्य संख्या या असंख्य से शब्द बन के वोकेबुलरी बनती है, वो प्राणियों में, अन्य जो है द्वेंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुर्द्रीय प्राणियों में नहीं होते हैं। और एकेंद्रीय प्राणी होते हैं, वो स्थावर होते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं,
एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनके पास में हिलने डुलने की शक्ति नहीं। तीन इंद्रिय के प्राणी होते हैं, स्पर्श संदर्शन घ्राण, उनके पास में सुगंध दुर्गंध रुकने की नाक की जो है वो शक्ति आ जाती है, उनको घ्राण शक्ति आ जाती है। जैसे चींटी है तो चींटी की घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है, उसकी सुगंध थोड़ी सी भी होती है तो 10 फुट के ऊपर से एक चींटी उस तरफ चलने लगती है, उसके पीछे जो है तांता लग जाता है चींटियों का, और जाकर के वो हमला बोल देते हैं जहाँ पर खाने की चीज होती है। चतुंद्री वाले होते हैं, वो जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, उनके क्या है आँख और जुड़ जाती, कान नहीं होता है। और पंचेंद्रिय जीव होते हैं, उसके संपूर्ण 5 इंद्रिय होती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, और वह संपूर्ण होता है। और इसके अंदर 2 कैटेगरी है, हमारे जितने पशु पक्षी हैं वो भी पंचेंद्रिय है, जैसे मछली है, गाय है, भैंस है, और दूसरा जो है आपका कबूतर है, उड़ने वाले हैं, जलचर है, थलचर है, खेचर है, नभचर है, वो सारे जो है पंचेंद्रिय। लेकिन डेवलप्ड जो है वो मनुष्य ही है, वो संपूर्ण इंद्रिय वाला है और उसके पास में मन होता है। ये अलग विषय, ये लंबा विषय है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जड़ और चेतन की बात कर रहे थे, ये 5 इंद्रिय वाले, और 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले जीव है। ये नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देर गति अपने अपने कर्मों के अनुरूप, अपने अपने आयुष्य के बंधन के अनुरूप जो है, अगर इसने बहुत बड़ा पाप किया है और पंचेंद्रिय का वध किया है, बड़ा पाप है, नरक गति में जाता है। झूठा माप तोल कूट कपट वगैरह धोखाधड़ी करने वाला तिर्यंच के अंदर जो है पशु पक्षी में जाता है, और सरल चेतना वाला जो है वो करुणाशील दयावान सरलता वाला धोखाधड़ी नहीं करने वाला मनुष्य योनि में जाता है। और वो धार्मिक क्रिया करते हैं, संत है, श्रावक है, जो हमेशा धर्म के पक्ष में होते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, वो लोग जो है वो देव गति में जाते हैं, देवता बनते हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज इस एपिसोड को जो है निष्कर्ष की भाषा में ओपन टू द ऑडियंस करूँ, तो मैंने चेतन और जड़ का इतना बड़ा विवेचन किया है। ये विवेचन क्यों किया, इतनी बड़ी क्या उपयोगिता थी, और इतना विवेचन क्या वायबल है, क्या जो है ये समाज के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी है, और क्या ये रिलीवेंट है, क्या इसकी कोई भी सोशल यूटिलिटी है। तो मैं निश्चित तौर पे बड़े जो है वो आत्मविश्वास के साथ कहना पड़ता चाहूँगा कि जड़ और चेतन के समझे बिना हिंसा अहिंसा नहीं समझी जाती है, और हिंसा अहिंसा को समझे बिना धर्म को नहीं समझा जाता है। धर्म को समझे बिना जो हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हम मुक्ति को नहीं जा सकते। हमारी भारतीय संस्कृति में ये पुरुषार्थ चतुष्टय बताते हैं, मनुष्य की लाइफ स्टाइल बताई है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में किस तरीके से जिया जाए। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, हर मनुष्य मात्र जो 7.8 अरब की आज की जनसंख्या है, उन सब के लिए एक ही बात कही है कि पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, हमारी सुख सुविधा से जुड़ा होता है। जब बच्चा युवा होता है उसमें काम की जागृति होती है, और उसमें लालसा पैदा होती है और कामुकता पैदा होती है। तो काम है, काम से जो है नई संतान की उत्पत्ति होती है, ब्याह होता है, शादी होती है, प्रेम होता है, ग्रस्त जीवन होता है। काम और अर्थ जिससे हमारा सारा साधन चलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकता है, वो अर्थ के द्वारा होती है, अर्थ के द्वारा विनिमय होता है। पुराने जमाने के अंदर बार्टर सिस्टम था कि हमने फूड ग्रेन्स को दे करके कपड़ा खरीद लिया। मेरे पास में कपड़ा है तो कपड़ा बेच करके सोना खरीद लिया, मेरे पास में सोना है तो सोने को बेच करके मकान खरीद लिया, और मेरे पास के अंदर कोई भी जो है वो सब्जी है तो सब्जी को बेच करके और मैंने रोटी खरीद ली। इस तरीके से बार्टर सिस्टम था, लेकिन आज सारा मुद्रा का सिस्टम आ गया, डॉलर का, रुपए का, और इस तरीके से सारा अलग अलग देशों की अपनी अपनी करेंसी है, वो अर्थ कहलाता है। उसके माध्यम से हम जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, ये हमारा साधन है। भाई और बहनों,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और आप देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान से आपका जीवन का निर्माण होने वाला है, आपको नए नए संस्कार मिलने वाले हैं, आपके आत्मा की शुद्धि होने वाली है, आपका अच्छा परिवार बन सकता है, अच्छा देश बन सकता है, अच्छा वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व एक फैमिली बन सकता है। तो इसी क्रम के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।